तो यार आज हम दोबारा से कोविड वीडियो के साथ, लेकिन आज वाली वीडियो में हम लोगों ने लेनी थी मिठाई। जी हाँ बिल्कुल ठीक, आप लोगों से मिठाई लेनी थी, लेकिन मैंने क्या, मुझे मिठाई मिली क्योंकि आप लोगों को पता है पिछली वीडियो में हमें नहीं मिली थी, हम रात को गए थे लेकिन नहीं मिली थी। फिर भी हमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हुई थी कि आज वाली वीडियो में मुश्किल होगी, आसानी से मिलेगी, कहाँ से ली क्या किया जो भी था सारा कुछ आप लोगों को पता चलेगा आज वाले ब्लॉग में। तो बने रहो, अभी शुरू करते हैं मेरी रूटीन। चलो जी, तो यार आज वाली वीडियो में हम दोबारा से कोविड ब्लॉग के साथ ठीक है ना। तो आज मैं सबसे पहले छत पर वॉइस ओवर करने आया था, सूरज साहब निकले थे वाजी ये तो बड़ा अच्छा हो गया। तो उसके बाद देखा इधर उधर तो गन काफ़ी पड़ा था, क्योंकि आप सबको पता है कि पिछली वाली वीडियो के अंदर हम लोगों ने ज़िबा किया था बकरा अपना, तो इसलिए गन काफ़ी छत पे पड़ा हुआ था, तो वो मैंने सफाई करनी थी। उसके बाद मैंने पानी लेने चला गया। पानी लेने के बाद मैं जब आया तो मुझे रस्ते में ये मिल गया था मटके वाला, मिट्टी के बर्तन बेचे, तो मैंने कहा चलो मटके ले लेते हैं। इसे तीन मटके लिए थे। अभी आके घर मैंने खाया खाना जो कि था आलू वाला पराठा, जो मेरा फेवरेट 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 है, क्योंकि मेरी मामा के हाथ का था, तो मेरे मामा के हाथ का था, मुझे वैसे ही सब कुछ बहुत पसंद है। तो उस साल मैंने ना शौक शौक में मटके के अंदर दही डाल दिया था, जो नेहा लेके आए थे, मटका नहीं इसको क्या कहें, प्याला, सॉरी सॉरी प्याला प्याला, तो ये प्याला लिया और उसमें मैंने दही डाल दिया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। उसके मैंने मैं मेरा भाई निकल गया मेन काम के लिए, जो कि था हमारा मिठाई वाला काम, ठीक है ना। गलियों गलियों में गुजर रहे थे हम लोग सारे के सारे, मेरा मेरा भाई था, उसका ना हर वक्त दिमाग ख़राब हुआ था। उसको इस चीज़ की एक्साइटमेंट भी थी कि मिठाई लेनी, लेकिन उसको ये था कि उसने चिप्स खानी, क्योंकि उसने मुझसे पहले डील कर ली थी कि मैंने चिप्स भी लेनी है, देख लो क्या कह रहा हो। हाँ उसका चढ़ा हुआ अभी सिस्टम, इसका दिमाग थोड़ा सा ख़राब है ठीक है ना। तो अभी मैं चलता हूँ जल्दी से और आगे जाके आप लोगों को दिखाता हूँ कि मिठाई मिली कि नहीं। उसके बाद हम लोग आ गए यहाँ पे, और यहाँ पे हमने मिठाई पैक करवाई, जो कि मैंने कॉल पे भी कहा, मैंने से कुछ पूछ लिया था और कुछ मेरे भाई के मेरी पसंद थी, सबकी मिला के हम लोगों ने मिठाई जो थी ना वो पैक करवा ली। इसके बाद ब्रांडिंग मैंने दिखाई थोड़ी सी, वालों ने नाम पढ़ लिया, जल्दी से गैस करके मुझे कमेंट में बताओ कि ये क्या है, कौन सी मिठाई की बेकरी है, ये क्या किया मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी किया मैंने कुछ किया ही है। मुझे दौरे पड़ते रहते हैं, मेरा दिमाग थोड़ा ढीला है, ख़राब है, मुझे छोड़ो। अभी हम भाई ने पैक की और हम लोग वहाँ से निकल गए, और अब यहाँ पे ना सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही थी, क्योंकि शाम का टाइम होता जा रहा था और सर्दी बढ़ती जा रही थी, और आज सर्दी कुछ ज़्यादा ही लग रही थी, पता नहीं क्यों। मेरा भाई भी मेरे साथ था, तो उसने मिठाई के शहर पर एक्साइटमेंट में पकड़ा हुआ था, वो देख ले रहा फिर से कुछ कह रहा, मुझे पता नहीं क्या कह रहा, कह रहा अच्छा कह रहा क्या, माना माल दिखाओ, ठीक है जी ठीक है। मैं कहा पहले तुम छापर दिखाओ, क्या तुम्हारे पास छापर दिखाया, उसने उसमें चिप्स चुप्स उसने जो ली थी वो की थी, और माना माल हमने दिखाया ठीक है, नहीं जैसे दे सकते हो, ये हमारे पास बहुत बड़ा मॉल है, हमें बहुत ज़्यादा उसका काम पड़ जाता है, कई दफ़ा यहाँ भी गए होते हैं ठीक है। उसके बाद ये हम लोगों ने ये किया कि उधर गए क्या किया, ये दौलड़े वहाँ से हम लोगों को चीज़ें लेनी थी वो नहीं, और उसके बाद हम लोग आगे तरह जाए थे, मुझे भूख बहुत जोरों की लग रही थी। उसके बाद कुछ था नहीं करने का, तो खाना खाया रात को, मैंने कहा बहुत खा देता हूँ, आज बना था कलेजी का साधन, अब आखिर मीट आया घर तो कुछ दिन तो मीट बनेगा ही ना, तो कलेजी का साधन बना था ठीक है ना। अब आप लोग जैसे देख सकते, बहुत ज़्यादा मज़ा देखा था। अगर अब आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लग किया हो तो कर देना सब्सक्राइब शेयर लाइक, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।